हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आमिर सिद्दीकी आप सभी का ज्ञान गोदावरी यूट्यूब चैनल पर बहुत ही ज्यादा स्वागत करता हूं दोस्त, क्योंकि आपके लिए आज बेहद इंपॉर्टेंट, जो आपको बेहद डराता है, जो सबसे ज्यादा डराता है, एग्जाम में डराता है। आप एग्जाम देने नहीं जाते हो, कौन है वो जिस पेपर में आता है डर लगती है आपको? इंग्लिश, जिससे आप बहुत डरते हो ना, सच में वो बहुत आसान है। जिसको देख करके ये डर लगता है कि रास्ते में बहुत भीड़ है, वो वहीं साइड से गली में से घूम जाता है तो जानते ही हो अपने कपड़े गंदे करके लौटता है। रोड छोड़ा, गली से गया, कपड़े गंदे। वैसे आप अगर ट्रैक छोड़े, गली से गए, लेखपाल पुलिस जिंदाबाद। अदरवाइज उससे भी बेस्ट एग्जाम होते हैं आपके लाइफ में, जिसका फॉर्म आप चुपके से भरे होंगे, ईपीएफओ। ईपीएफओ का मतलब समझते हो? सेकेंड ग्रेड की जॉब होती है। जिस लड़के का सिलेक्शन हो जाता है, ईपीएफओ मतलब प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, ई मतलब इन्फोर्समेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे अच्छी जॉब कोई जॉब नहीं होती है। अगर कोई अच्छी होती है तो वो सिर्फ आईएएस की होती है, और आईएएस में इंग्लिश आता है, यू नो वेरी वेल। आजकल सिलेक्शन किसका हो रहा है? इंग्लिश मीडियम वालों का। हिंदी मीडियम वाले तो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ा सा मीडियम चेंज करिए, डरिए नहीं। ये देखिए एसएससी, एसएससी में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जबरदस्त जॉब होती है। ये देखिए, इसके अलावा बैंक, यहां पर इंग्लिश की डिमांड। इसके अलावा जो सबसे क्रेज वाले जॉब हैं, एमडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, सब में दोस्त क्या पूछा जाता है? सब में इंग्लिश पूछा जाता है। इसी इंग्लिश की आपके डर को हटाने के लिए, खास करके न्यू कमर के लिए, जो बच्चे हमारे इंटर पास हैं, जो अभी जस्ट ग्रेजुएशन में एंट्री किए हैं, ये बड़े बूढ़ों के लिए नहीं है, ये सिर्फ छोटे बच्चों के लिए है, जिनके दिल में उमंग है कुछ कर जाने की, उनके लिए आज हम एक बेहद इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आए हैं, जिसे हम लोग इडियम्स फ्रेजेस कहते हैं। आज आपको याद कैसे नहीं होगा? आप जो कहते हैं ना, हमको याद नहीं होता, अगर आज ना याद हुआ तो पढ़ाना छोड़ देना है, अगर ना याद हुआ तो पढ़ाना छोड़ देंगे, पक्का डन है। एक बार मेरे साथ अपने 20 मिनट या 10 मिनट दीजिए, जितने मिनट देंगे उतने दो याद कराएंगे। एक मिनट में दो, दो मिनट में चार, 60 मिनट में 120। अगर आपने मुझे 300 मिनट दे दिया तो आज हम आपको 600 याद करवा के जाएंगे। आइए एक डेमो देखते हैं, जबरदस्त। ये देखिए, एक वर्ड आपके सामने लिखा है, क्या लिखा है तो आप बताएंगे, लिखा है एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। क्या लिखा है दोस्त? एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। आपसे पूछा जाता है एप्पल ऑफ डिस्कार्ड का मतलब क्या होता है? क्या पूछा जाता है? एप्पल ऑफ डिस्कार्ड का मतलब क्या होता है? और दूसरा लिखा है, पांच छह देख लीजिए तो कम से कम मिनट आपका सही हो जाए, अ बोन ऑफ कंटेंशन। क्या लिखा है? अ बोन ऑफ कंटेंशन। नेक्स्ट देख लीजिए क्या लिखा है, अल्फा एंड ओमेगा। क्या लिखा है? अल्फा एंड ओमेगा। एक और लिखा है देखिए, एट सिक्सेस एंड सेवेंस। ये देखिए, एट सिक्सेस एंड सेवेंस, चार। एक पांचवा देख लीजिए, क्रोकोडाइल टीयर्स, क्रोकोडाइल टीयर्स। ये पांच लिखें, अगर आपको पांच हम फटाफट ना याद करवा दिए तो बताइएगा। बिल्कुल फास्ट हम लोग चलते हैं, अच्छे बच्चे की तरीके से याद करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं, पहला क्या लिखा है? एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। दूसरा क्या लिखा है? अ बोन ऑफ कंटेंशन। ऐसे समझिए, दो डॉगी बैठे हैं, अगर दो डॉगी बैठे हैं अच्छे खासे, दोनों एक दूसरे के ऊपर सर करके लेटे भी हैं, लेकिन आप पहुंचे तो क्या किए आपने? एक हड्डी फेंक दी। जैसे ही आपने हड्डी फेंकी, दोनों डॉगी दौड़ जाते हैं किसकी तरफ? हड्डी की तरफ। और हड्डी की वजह से हड्डी वहीं की वहीं रहती है, दोनों डॉगी लड़ कट जाते हैं। तो हड्डी क्या बनी? हड्डी जड़ बनी। किसकी? झगड़े की। तो कोई आपसे पूछे बोन ऑफ कंटेंशन मतलब क्या होता है, आप बताएंगे झगड़े की जड़। बोन ऑफ कंटेंशन क्या हुआ? झगड़े की जड़ बनी। जो झगड़े की जड़ बनी उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं बोन ऑफ कंटेंशन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में आप बोलेंगे जड़, काज। किसकी? झगड़े की, क्वेरल।
इंग्लिश में आप ऑप्शन ढूंढेंगे, काज ऑफ क्वेरल। तो काज ऑफ क्वेरल मतलब क्या हो गया, काज ऑफ क्वेरल मतलब हो गया झगड़े की जड़। क्लियर सभी को? ये देखिए पहला लिखा है एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। एप्पल मतलब आप लोगों को, किसी को भी कमरे में बंद कर दीजिए, बंद करने के बाद दूसरे दिन सुबह जाइए और क्या करिए, सेब फेंक दीजिए, तो जितने कमरे के अंदर रहेंगे वो सेब पर दौड़ जाएंगे, सेब पिचनी हो जाएगा, सेब पिचनी हो जाएगा, लेकिन वो जो है खा नहीं पाएंगे, उस सेब के चक्कर में लड़ जाएंगे। तो सेब भी क्या बना, सेब भी जड़ बना, किसका, झगड़े का। तो एप्पल ऑफ डिस्कार्ड मतलब क्या होता है, एप्पल ऑफ डिस्कार्ड मतलब होता है झगड़े की जड़। तो दोनों वर्ड का मतलब क्या हो गया दोस्त, दोनों वर्ड का मतलब हो गया झगड़े की जड़। तो कोई आपसे पूछे एप्पल ऑफ डिस्कार्ड या बोन ऑफ कंटेंशन, इसका मतलब क्या होता है, आप हिंदी में बताएंगे झगड़े की जड़ होता है। क्या होता है, झगड़े की जड़। और इंग्लिश में बताएंगे काज ऑफ क्वेरल, काज ऑफ क्वेरल, इंपॉर्टेंट। आइए देखते हैं आगे, यहां देखिए लिखा है अल्फा एंड ओमेगा। अल्फा और ओमेगा मतलब क्या होता है, तो आप फिजिक्स में नहीं पहुंच जाइएगा, अल्फा मतलब होता है हमेशा बिगनिंग, ओमेगा मतलब होता है एंड। तो कोई पूछे अल्फा और ओमेगा का मतलब क्या होता है, आप बताएंगे बिगनिंग एंड एंड, स्टार्टिंग एंड एंड। अरे भाई देखो तीन किरणें निकलती हैं, अल्फा बीटा गामा, जो अल्फा है वो क्या है, शुरुआत की है, अल्फा मतलब बिगनिंग और ओमेगा मतलब क्या होता है एंड। तो इसका ऑप्शन क्या ढूंढेंगे, अल्फा एंड ओमेगा मतलब होता है स्टार्टिंग एंड एंड। क्लियर, आगे चलिए एट सिक्सेस एंड सेवेंस। अरे भाई जब तक धोनी थे वो छक्के नहीं मारते थे, जब वो मारते थे तो छक्के 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 मारते थे, मतलब सिक्सेस नहीं मारते थे, सेवेंस मार देते थे। और जब बॉल को छक्के की जगह पर सत्ता कोई मार देगा तो बॉल का क्या होगा, चिथड़े उड़ जाएंगे, और चिथड़े उड़ जाएंगे तो किस कंडीशन में पहुंच जाएगी, तो आप बताएंगे डिसऑर्डर, किसमें पहुंच जाएगी, डिसऑर्डर। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इन डिसऑर्डर। एट सिक्सेस एंड सेवेंस का मतलब क्या होता है, तितर बितर होना। अरे भाई सीधी सी बात है, अगर धोनी जब तक थे तो छक्के मारते थे तो बॉल मिलती मिलती नहीं थी, उसके चिथड़े उड़ जाते थे, चिथड़े उड़ जाते थे मतलब तितर बितर हो जाती थी, तितर बितर होने को हम लोग क्या कहते हैं, इन डिसऑर्डर। तो आपसे कोई पूछे एट सिक्सेस एंड सेवेंस मतलब क्या होता है, आपका आंसर होगा एट सिक्सेस एंड सेवेंस मतलब होता है इन डिसऑर्डर। याद हुआ कि नहीं पक्का बताइएगा। एप्पल ऑफ डिस्कार्ड मतलब क्या होता है, काज ऑफ क्वेरल। बोन ऑफ कंटेंशन मतलब क्या होता है, काज ऑफ क्वेरल। अल्फा एंड ओमेगा मतलब क्या होता है, इन डिसऑर्डर। एट सिक्सेस एंड सेवेंस मतलब क्या होता है, इन डिसऑर्डर। क्लियर, अल्फा एंड ओमेगा मतलब क्या होता है, आप बताएंगे स्टार्टिंग एंड एंड। आइए आगे चलते हैं, क्रोकोडाइल टीयर्स। अरे भैया क्रोकोडाइल टीयर्स हर कोई जानता है, क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब क्या होता है, घड़ियालू आंसू। ये जो घड़ियालू आंसू होते हैं, ये जो घड़ियाली आंसू होते हैं, ये कैसे आंसू होते हैं, झूठे आंसू होते हैं। सौतेली मां बहाती है किस पर, अपने सौतेले पापा पर बहाती है, तो ये क्या है, घड़ियाली आंसू हैं, दिखावटी आंसू हैं, बनावटी आंसू हैं। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं फॉल्स टीयर्स। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फॉल्स टीयर्स। तो क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब क्या हो गया, फॉल्स टीयर्स। उम्मीद करते हैं ये पांचों क्लियर हो गया होगा, एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, काज ऑफ क्वेरल, अब बोन ऑफ कंटेंशन, काज ऑफ क्वेरल, अल्फा एंड ओमेगा आप बताएंगे स्टार्टिंग एंड एंड, एट सिक्सेस एंड सेवेंस आप बताएंगे इन डिसऑर्डर, क्रोकोडाइल टीयर्स, फॉल्स टीयर्स। ये हमारा जो एग्जाम होने वाला है ईपीएफओ, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी जो 24 नवंबर से मेंस का एग्जाम है सीजीएल का, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। बैंक, बैंक में जो भी एग्जाम आते हैं, इंग्लिश में हमेशा एडीएल पूछा जाता है। जो लोग आईएएस का एग्जाम देते हैं, पीसीएस का एग्जाम देते हैं, हमारे यूपी पीसीएस में 15 से 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, एक ईडीएम फ्रेजेस पक्का आता है, तो वहां से आता है। एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी सभी एग्जाम में आते हैं, इसलिए आपको रेडी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए आगे थोड़ा सा देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए थोड़े से और लिखे, अगर कोई आपसे पूछे एबीसी, एबीसी का मतलब क्या होता है, तो आपका आंसर होगा एबीसी। अगर कोई आपसे कह दे कि आप एबीसी नहीं जानते, किसका एबीसी नहीं जानते, एबीसी, एबीसी मतलब होता है वेरी कॉमन नॉलेज। अगर कोई आपको कह दे आप कंप्यूटर का एबीसी नहीं जानते,
इसका मतलब, इसका मतलब आप कंप्यूटर का कुछ नहीं जानते। एबीसी मतलब क्या हुआ? एबीसी मतलब हुआ वेरी कॉमन नॉलेज, और एक्स वाई जेड मतलब होता है कि आप सब कुछ जानते। एबीसी वेरी कॉमन नॉलेज, एक्स वाई जेड यू नो एवरीथिंग। क्लियर? एकदम गड़बड़ नहीं करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए, सेट ऑन द फेंस, नेक्स्ट लिखा है सेट ऑन द फेंस। कोई आपसे पूछे सेट ऑन द फेंस का मतलब क्या होता है, तो आप बताएंगे भैया सेट ऑन द फेंस, फेंस मतलब होता है दीवार, सेट मतलब होता है सिट, हो गया यहां पे सिट नहीं, सिट ऑन द फेंस। कोई आपसे कहे कि दीवार पर बैठे हैं, मतलब एक दीवार बीच में बने हैं, एक पड़ोसी इधर एक पड़ोसी इधर, आप दीवार के बीच पर बैठे हैं और दोनों पड़ोसी लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, और आप कुछ नहीं बोल रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आप कुछ नहीं बोल रहे हो, उसी दीवार पर बैठे हो। तो आप कैसे बन के बैठे हो? आप उदासीन बन के बैठे हो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है न्यूट्रल, या इसका मतलब होता है अनडिसाइडेड, या तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि किधर जाएं, या फिर ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो क्या करें। तो इसका मतलब क्या होगा? सिट ऑन द फेंस, सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है न्यूट्रल या अनडिसाइडेड। क्लियर भाई? सीधी सी बात है, दीवार पे बैठे हो, दो लोग लड़े जा रहे हैं, तो लोग कहेंगे तुम पागल हो, यहां बैठे हो उदासीन होकर के, मूक बन करके। तो उदासीन का मतलब क्या हो गया? उदासीन का मतलब हो गया न्यूट्रल। ये देखिए नेक्स्ट है, वंस इन ब्लू मून। अरे भाई वंस इन ब्लू मून, लोग कहते नहीं ईद के चांद हो गए हैं, और ईद का चांद कैसे दिखता है? कभी कभी, बहुत ही दुर्लभ, जिसका दिखना बहुत दुर्लभ हो, साल भर में एक बार दिखता हो, उसे क्या कहते हैं? उसे ईद का चांद कहते हैं। इसे क्या कहेंगे आप लोग? इसे कहेंगे वेरी रेयरली, जो बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत मुश्किल से दिखता है। तो वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या होता है? वंस इन ब्लू मून का मतलब होता है वेरी रेयरली। क्या मतलब होता है दोस्त? वेरी रेयरली। और सिट ऑन द फेंस का मतलब क्या होता है? अनडिसाइडेड। क्या होता है? अनडिसाइडेड। एबीसी का मतलब क्या होता है? वेरी कॉमन नॉलेज। क्लियर सभी? सभी को क्लियर? ओके। ये देखिए ब्रेक अ लेग। अब ब्रेक अ लेग का कभी निगेटिव सेंस नहीं समझना। अगर कोई कहता है कि तुम बाहर निकले तो तुम्हारी एक टांग तोड़ देंगे, इसका मतलब सच में वो आपका भविष्य चाहता है। सच में वो कहता है बाहर निकले तो दोनों हाथ पैर तोड़ देंगे, इसका मतलब वो चाहता है कि आपका फ्यूचर अच्छा हो, वो आपके लिए गुड लक चाहता है। तो ब्रेक अ लेग का मतलब कभी नहीं होता है कि आपको नुकसान पहुंचाना। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है अ थम्स अप। क्या मतलब होता है? थम्स अप। और थम्स अप का मतलब क्या होता है? जब कोई आपको एक अंगूठा दिखाता है ऐसे, तो इसका मतलब क्या होता है? बिल्कुल बताइएगा, इसका मतलब क्या होता है? आप खुश हो जाते हैं कि आपको लाइक मिल गया। क्या मिल गया? लाइक मिल गया। थम्स अप, थम्स अप मतलब होता है टू चीयर समवन। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है थम्स अप। ब्रेक अ लेग का मतलब क्या हो गया? टू चीयर समवन, किसी को, किसी का हौसला बढ़ाना, चीयर समवन। सच में हर कोई बर्बाद करने पे जुटा है, पैर तोड़ने वाला वही है जो मां है या बाप है, कि बाहर निकले तो पैर तोड़ देंगे, इसका मतलब वो आपका भविष्य चाहते हैं। ये देखिए, तो ब्रेक अ लेग का मतलब क्या हो गया, या थम्स अप, दोनों का मतलब क्या हुआ? टू चीयर समवन, या टू डू वर्क फॉर गुड लक, टू डू वर्क फॉर गुड लक। आइए नेक्स्ट, बैग एंड बैगेज। कोई आपसे पूछे बैग एंड बैगेज का मतलब क्या होगा? एक बार क्या हुआ, हम अपने दोस्त के पास गए, हमारा दोस्त एक बड़ा से बैग में सारे छोटे छोटे बैग अपने रख रहा था। मैंने पूछा क्या हुआ? कहा जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। क्यों भैया? कहा हम जा रहे हैं। मैं कहा सब लेकर? कहा बोरिया बिस्तर सहित जा रहे हैं। बैग एंड बैगेज मतलब क्या होता है? बैग एंड बैगेज मतलब होता है बोरिया बिस्तर सहित, और बोरिया बिस्तर सहित का मतलब होता है विथ ऑल बिलोंगिंग्स। क्या मतलब होता है? विथ ऑल बिलोंगिंग्स। क्या मतलब होता है? विथ ऑल बिलोंगिंग्स। तो इस तरीके से ये हमारी आपके पास 10 से 12 वर्ड idioms phrases के आपके पास गए हैं। ऐसे शॉर्ट वीडियोस आपको मिलती रहेंगे। आपके पास जब ये वीडियो जाए तो आप इसे खूब अच्छे से कॉपी में नोट करके
एक पेज में बना करके याद करने की कोशिश किया करिए। जितना अच्छा याद करेंगे वो एग्जाम में आपके उतना अच्छा आपके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। ये वीडियो आप देखिए कितने मिनट की है जल्दी से बताइएगा। कम से कम मिनट की हमने बनाया है, कम से कम मिनट की हमने बनाया है 12 से 15 मिनट की वीडियो। आप फटाफट इसको देख करके फिर हमें रिप्लाई करिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको समझ में आया कि नहीं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।